हाँ, तेरे भाई के साथ बबले के कच्चे वाला, बबले के कच्चे फेमस होना है, पॉपुलर होना है, पैसे कैसे कमाने हैं, या तुम्हें लड़कियां चाहिए बुलाने वाला। ब्रो यूएस का पोर्न इंडस्ट्री है। नमस्ते भाइयों बहनों, क्या चल रहा है गाइस? सॉरी मेरा नाम अभिनव है, आज मैं फिर से सरहद के साथ हूँ और हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो सरहद आपको बताएगा कि हम क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कैसे बने, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग को मैसेज भेजते हैं, ये भी इंस्टाग्राम पे है, मैं भी हूँ, और हम लोग टेक्निकली लोगों को लगता है हम सेलिब्रिटी हैं, हमें तो लगता है एक नंबर के, लेकिन बेसिकली लोगों को लगता है सेलिब्रिटी है, ठीक है। लेकिन सब लोग पूछते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल कैसी अच्छी करें, या फिर हम कैसे सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी वाला स्टेटस गेन कर सकें, चाहे कोई भी एम हो, चाहे तुम्हें बस फेमस होना है, पॉपुलर होना है, या तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, या तुम्हें लड़कियां चाहिए, ये भी इसके लिए भी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे कमाने हैं। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पे तुम कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, सेलिब्रिटी बन सकते हो, और साथ में पैसे कमा सकते हो। पहली बात आप मेरे को ये बताओ, ठीक है, और आप कमेंट्स में अभी के अभी लिखो, चाहे आपके चलो कमेंट्स में ना लिखो, आप पेपर पेंसिल नहीं, मैं चलो लिखो कमेंट्स में लिखो कमेंट्स में लिखो कि आप में ऐसी क्या बात है, ठीक है, जो आप ओरिजिनल हो, ठीक है, जो और किसी में ऐसी खूबी नहीं है, और आप में आप अंदर अपने एक दो मिनट के लिए सोचो, ठीक है, कि आपके पास ऐसी क्या चीज है जो सब लोग कहते हैं वाह क्या टैलेंट है, चाहे आप गाना गाते हो, चाहे आप गिटार बजाते हो, चाहे आपकी शायरी बहुत अच्छी है, चाहे आप कंप्यूटर्स में गेम बहुत अच्छी खेलते हो, ठीक है, क्या ऐसी चीज है जो आपको अब यूनिक बनाती है, जो औरों के पास नहीं है, और जो दूसरों को दे सकते हो और बांट सकते हो, जो वैल्यू आप किसी को प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसी क्या बात है, वो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो आपका थीम बनेगा, ठीक है, वो आपका टाइटल है, वो आप समझोगे कि ये है एक टॉपिक जिसके ऊपर ही मैं बात करूंगा और किसी चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा। तो ये बात कम, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरे को गिटार बजाना बहुत अच्छा आता है, आपने एक क्लिप डाल दिया मैं गिटार बहुत अच्छा बजा रहा हूँ, और दो तीन क्लिप है आपकी बस सेल्फियां मार के, एग्जैक्टली वो नहीं करना है, एग्जैक्टली, क्योंकि उससे जो है आपका ऑडियंस नहीं बनेगा। हाँ, लोग आपकी सेल्फी देखने नहीं आ रहे, सेल्फी देखने नहीं आ रहे, एक जो शायद 10-15 लोग जो आए होंगे आपके चैनल पे कि आप गिटार बहुत अच्छा बजा रहे हैं और आप गाना बहुत अच्छा गा रहे हैं या शायरी बहुत अच्छे कर रहे हैं, वो वापस आकर देखेंगे ये बंदा तो फिर से अपनी सेल्फी वेल्फी लग गया है, वो नहीं आएंगे वापस, वो वहीं के वहीं अनफॉलो कर देंगे, ठीक है। ये पहली चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली तुम्हें पहले फिगर आउट करना है कि तुम कहां पे दुनिया को दे सकते हो, ठीक है, कहां पे तुम दुनिया को कुछ दे सकते हो जिससे उन्हें फायदा हो तुमसे, ताकि वो तुमसे जुड़ के रहना चाहें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप अपने आप को एक सोचो कि आपका जो टैलेंट है वो किसी ना किसी को इंस्पायर करे, और आप उसको आप एक एस्पिरेशनल वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, और जरूरी नहीं है कि आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए जो किसी के पास नहीं है, औरों के पास भी सेम टैलेंट है, जरूरी नहीं है कि अगर मैं अच्छे कपड़े पहनना जानता हूँ, ठीक है, तो 10 लोगों के पास स्टाइल नहीं है, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं, मगर मैं अपने आप को कैसे यूनिक दिखाता हूँ, ठीक है, एक्सप्रेस करने का स्टाइल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सिर्फ बहन जो एक और फैशन ब्लॉगर या ये जो दिखता है ना नॉर्मली, नई नई लड़कियां आ जाती हैं, लड़के आ जाते हैं, नकली अकाउंट खरीदते हैं स्ट्रेट वे 10,000 का फॉलोइंग का या जो भी, और वही फैशन करने की कोशिश करेंगे, जो भी मतलब जो उनको दिखता है कि ये चल रहा है, ये पॉपुलर है, तो चलो ये करते हैं, वो मत करना, देखो तुम कहां दे सकते हो लोगों को, ताकि लोगों को तुमसे फायदा हो और वो तुम्हारे साथ रहना शुरू करें और रहें तुम्हारे साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं सब लोगों को ये बोलता हूं कि फैशन का मतलब ये नहीं कि आप सबसे बढ़िया और एक्सपेंसिव कपड़े पहन रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, सबसे पहली चीज मैं लोगों को बोलता हूं कि आप अपनी बॉडी को ठीक कर लो, अगर आपकी बॉडी अच्छी है, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक 6 फुट के जैसे मॉडल होते हैं जो सारे रैंप पे वॉक कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको लगता है सारे डिजाइनर के जो कपड़े वो पहनते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, आप लोगों के दिमाग में वही चलता है, भैंचो ये चूतिया ये कपड़े पहनेगा कौन, टेंट पहना हुआ है, टेंट पहन रखा है किसी ने, पजामा सर के ऊपर लगा रखा है, ये सब कुछ, मगर वो भैंचो जो मॉडल जो चल रहा है क्या सही लग रहा है यार, फिर भी वो इसलिए है क्योंकि उसकी बंदे की बॉडी है ऐसी, उसकी हाइट है ऐसी, ठीक है, कि उसके ऊपर तुम चाहे कुछ भी फेंको, तो कुछ भी तुम केले का छिलका फेंक दो उसके सर पे, वो कहेगा यार आज से तुम्हें केले का छिलका ही पहन के चलूंगा, मगर पॉइंट ये है आप अपने आप को एक डेवलपमेंट दो, ठीक है, और अगर आप फैशन के उसमें आ रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके कपड़े जो है वो एक्सपेंसिव होने चाहिए या आपके स्टाइल जो है वो सबके अब महंगा होना चाहिए, सब कुछ नहीं है जरूरी, ठीक है, आप
सरोजनी में जाकर के, दिल्ली में, दिल्ली वाले सारे जो ऑडियंस है वो सरोजनी में जाकर के आप 50 रुपए की टी शर्ट भी आप ढंग से अगर स्टाइल करें तो आप कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सरोजनी में शॉपिंग करते हैं और उनको आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी, उनको आपसे फायदा होगा। हाँ, हम लोग भी बहनचोद, ऐसा नहीं है हमारे भी सारे कपड़े बहुत महंगे वगैरह। मैं मिक्स एंड मैच करता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ज्यादातर मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादातर जाता हूं। तेरा वीडियो है YouTube पे यार? हां, मेरा वीडियो है इसके ऊपर। हां हां हां, तेरे भाई के साथ बबले के कच्चे वाला, बब्बे के कच्चे। पॉइंट इज कि मैं ज्यादातर तो अगर मैं बोलूं तो ज़ारा या H&M में जाके शॉपिंग कर लेता हूँ, इतनी हैसियत है मेरी। मगर पॉइंट ये है कि मैं जाता हूँ सरोजनी और वहां जाकर के मैं देखता हूँ कि भाई सेम चीज जो मेरे को ज़ारा या यहाँ पे मिल रही है वो मेरे को सस्ते में मिल रही है, क्यों ना उठाऊं। वैरायटी आती है, वैरायटी आती है लाइफ में। तो इससे आप ना पूरा मतलब डिसहार्टन ना हो जाए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। और सिर्फ फैशन नहीं, मतलब गिटार भी बजा रहे हो तो मेरे पास इलेक्ट्रिक गिटार नहीं है तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आ सकता। गिब्सन लपॉल नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। या मैं हारमोनियम बजाता हूँ और वो कूल नहीं। अरे माँ की यहाँ कूल क्या है यार, तू जो कर रहा है तू अच्छे से कर, ठीक है, वो कूल बन जाएगा क्योंकि तू अच्छे से कर रहा है और लोगों को उससे कुछ मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा उनके फोन पे, तो वो रहेंगे तुम्हारे साथ। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज जब आप ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी चीज पे तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे। अब सपोज आपने इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, कैसे दिखाएंगे आप कि भैया मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ अपना एक हुनर, एक टैलेंट दिखा रहा हूँ, वो किस तरीके से दिखाऊं कि भैया बहुत सारे लोग जो भी आएंगे प्रोफाइल पे, कहीं पे एक्सप्लोर पे आपकी जो पिक्चर दिखेगी तो वो आपकी प्रोफाइल पे क्लिक कैसे करें। उसके लिए एक चीज होनी चाहिए, वो है यूनिकनेस। और वो यूनिकनेस आपकी उसमें तभी आएगी जब आप अपना जो कंटेंट है उस पे आप 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, आप घंटे लगाएंगे। चाहे आपका अगर एक गाने का वीडियो है, आप उस गाने के उसमें आप पहले ही दिखा दें किसी भी तरीके से कि आप कहीं और बैठकर गा रहे हैं, ये नहीं कि अपने कमरे में बैठकर गा रहे हैं। आप दिखा दो कि भाई आप एक पार्क में जाकर के बैठकर के गा रहे हो, आप कुछ दिखाओ, डू समथिंग डिफरेंट। उस जब आप यूनिकनेस लाओगे तब लोग कहेंगे कि हाँ, उनकी दिमाग में रहेगा, दिमाग में सब लोगों ने कम से कम YouTube, Facebook पे 10-15 वीडियो देख रखे होंगे लोग गाते हुए ये सब कुछ, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि अरे भाई मैं किसी बाथरूम के स्टॉल के अंदर बैठ करके गा रहा हूँ। और कॉपी मत करो, और कॉपी मत करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और कॉपिंग का भी मैं एक चीज बताता हूँ, इंस्पायर होना एक चीज होती है और कॉपी करना एक चीज होती है। जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं, हम सब होते हैं, आपको लगता है मैं कोई पैदाइशी कोई स्टाइलिश नहीं बनाता, ठीक है, अगर आप मेरी पुरानी पिक्चर देखोगे आप समझोगे क्या बड़ा चंपू इंसान था, ठीक है, मगर पॉइंट इज मैं अपने आपको एजुकेट किया, मैंने उन लोगों को देखा जिनका स्टाइल मुझे पसंद था, उनकी जो स्टाइल के जो एलिमेंट्स थे, जो उनकी जो चीजें थी जो वो देख रहे थे कि बहुत स्टाइलिश है कैसे पहने, वो मैंने इम्बाइब करी अपने अंदर। जब वो करा तब जाकर के समझ में आया सब लोगों को कि चलो ठीक है, ये बंदा जो है ये स्टाइलिश है। और उसमें मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, जिस टाइप के कपड़े मैं पहनता हूँ वो सब लोग पहन सकते हैं, ठीक है, मगर अंदर का जो कॉन्फिडेंस आया वो इसलिए आया क्योंकि वो ओवर द इयर्स मैंने डेवलप किया है और इसके बॉडी को, इसकी पर्सनालिटी को सूट करता है। तो अगर सेम चीज से तुम किसी और को कॉपी करोगे और वही डालोगे इंस्टाग्राम पे सोच के इसने ये किया तो चल गया, तुम्हारे साथ भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता ब्रो, ऐसा नहीं होता। आजकल की डेट में ना अगर आप गूगल करो कि फैशन ट्रेंड क्या है, ठीक है, फैशन ट्रेंड में ऐसे लोगों ने ऐसे चश्मे पहन रखे, अब ये इसका मतलब ये थोड़ा कि आप लेकर पहन के बैठ जाओगे। मैंने आज तक मैंने वो ट्रेंड नहीं फॉलो किया है। और वो सर मैं ये भी बात कर रहे थे, हम लोग जो सब लोगों को चाहिए होता है ना वो हमको चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि फिर फायदा क्या है बिकॉज वो एक मेंटालिटी है जिससे आप हमेशा एक ऐसी चीज करना चाहोगे जिससे आप यूनिक रहो और आप देखो जैसे कि आप अलग ही हो। एग्जैक्टली, जब आप अपनी पर्सनैलिटी ही ऐसे बना लो मैं वही करूंगा जो अलग ही है तो ऑटोमेटिकली वो आपके हर काम में दिखेगी। तुम अगर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनना चाहते हो तो सेलिब्रिटी लोग तुम्हें इसलिए बनाएंगे ना क्योंकि तुम अलग हो। अगर तुम हर दूसरे बकचोद की तरह हो तो बहनचोद तुम क्यों बनोगे सेलिब्रिटी, कोई नहीं देने वाला तुम्हें सेलिब्रिटी वाला स्टेटस। और सेलिब्रिटी बनने के लिए मत करो, इसलिए हमारा पहला पॉइंट था ये देखो कि तुम कहां पे वैल्यू या कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ टैलेंट या कुछ दुनिया को दे सकते हो, सबसे पहला वो। और अब हम तीसरे आप एक और बात है, जब आप ये सर्विस ऐड कर रहे हो तो जैसे सरहद ने बोला कि भैया आप दुनिया को कुछ देना चाह रहे हो, आप ऐसा एक एंटिटी बन जाओ, आप एक ऐसी चीज बन जाओ कि लोग चाहें कि भैया अगर मैं इसको इंगेज करना चाहता हूं तो शायद मैं इसको पैसे देने के लिए तैयार हूं। ये पॉइंट आता है तीसरा पैसे कैसे कमाएं इसमें। अब मैं आपको एक पूरा एक डिस्क्लोजर और एक
खुलासा दे देता हूँ इस इंडस्ट्री में. ये इंडस्ट्री इंडिया में बहुत नहीं है. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग और ये जो आप देखते हो सोशल मीडिया वालों को फ्री में सामान मिल रहा है, छुट्टियां मिल रही हैं, ये वो जो भी मिलता है वो सब बहुत नया है अभी. भैया अब फ्री की जीन से मैं अपना पेट तो नहीं भर सकता, ठीक है. तो मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूँ कि नॉर्मली यहाँ पे लोग बार्टर देते हैं. सारे ब्रांड जो है वो कहते हैं कि चलो ठीक है आप ये पैंट और एक शर्ट ले लो और ये पोस्ट डाल दो, ठीक है. उनको ये नहीं दिख रहा कि मेरी जो मेहनत है उसको स्टाइल करने में, मेरे को अपने फोटोग्राफर को पैसे देने, आगे सिनेमेटोग्राफर को पैसे देने, वो नहीं दिख रहे. और जो अभी तक की खर्ची हुई मेहनत है यार, एक दो साल जो लगे या ज्यादा यहाँ तक पहुंचने के लिए, ऑडियंस अब जा करके कुछ पैसे कमा रहा हूँ. और ये भी नहीं कह रहा कि भाई उस पैसे से मैं बैठ करके ऑडी खरीद ली, नहीं बिल्कुल भी नहीं. मेरे पास एक दूसरा काम है जो मैं करता हूँ, उससे मेरे नॉर्मल दिन का पेट का खर्चा निकलता है. ये जो है एक हॉबी है, मगर ये एक हॉबी है जो मेरा पैशन है और सेकेंडरी करियर, और सेकेंडरी करियर बन रहा है. मगर इस करियर को बनाने में मेरे को कम से कम 2-3 साल लगे हैं, ठीक है. और ये तब है जबकि मैं शुरुआत में मैंने सोचा भी नहीं था कि भैया इन्फ्लुएंसर क्या है. एक साल पहले आप किस किस को जानते थे कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा है, दो साल पहले आप किसको जानते थे कि जो ब्लॉगर है. आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पर्ल अकेडमी दिल्ली में जो बहुत बड़ा एक फैशन इंस्टीट्यूट है, उसमें दे आर टीचिंग पीपल हाउ टू बिकम इन्फ्लुएंसर, हाउ टू बिकम ब्लॉगर. तो वो अब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भैया ये एक प्रोफेशन बन सकता है, अभी है नहीं. मगर इसमें भी मेहनत चाहिए होती है. पहली चीज, हर चीज में आप किसी भी बिजनेस में अगर आप घुसें, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में घुसें जिसका आपका पैशन है, उसमें अगर आपने पहली चीज ये सोची कि भैया इसमें पैसे कैसे बनाऊंगा, आपका वहीं प्लान फेल है. आप किसी भी चीज को पैसे के नजरिए से अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो गलत है. आपको आप खुद एक सरप्राइज में आएंगे जब किसी चीज को पैशन से कर रहे हैं ना. आप गिटार बजाए जा रहे हैं मगर आप दोस्तों के घर चले गए, आप किसी शादी में चले गए, आपने कहा कि अरे आपने खुशी दी बहनचोद को, एंटरटेनमेंट दिया. अगर सरहद को गिटार बजाना आता और ये किसी की वेडिंग में चला जाता, कहते अरे सरहद यार गिटार बजा के दिखा दे, ठीक है. क्या पता वहाँ पे कोई बैठा हो, ठीक है, जो कहे अरे सरहद यार तूने बहुत अच्छा बजाया था, कम फॉर दिस इवेंट और समथिंग, और ऐसे आपका एक बन गया. आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि कैसे लोग आ गए कि अरे मेरे को कोई पैसे देना चाह रहा है. मैं एक्चुअली इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मेरी उंगलियां गिटार नहीं बजा सकती, लेकिन मेरी उंगलियां और बहुत सारी चीजें बजाती है. लेकिन बेसिकली उसके लिए मुझे कोई नहीं बुलाने वाला कि तू आके मेरे रेस्टोरेंट में प्लीज ये बजा दे अपनी उंगलियों के साथ, वो मेरे को कोई नहीं बुलाने वाला. ब्रो यूएस का पोर्न इंडस्ट्री है. लेकिन ये जो इसने कहा ना कि बेसिकली एंटरटेनमेंट दो, वैल्यू दो, खुशी दो लोगों को, बांटो ये चीज, क्योंकि कोई ना कोई देखेगा जिसको लगेगा अरे फक यार ये मेरे बहन की शादी में इसको परफॉर्म करना चाहिए. या फिर अगर तुम शायरी लिखते हो कि यार इसको ना किसी का पब्लिशिंग हाउस हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर रन कर सकता है. टाइम पे कई लोग होते हैं बुलाते हैं, गजल वालों को बुलाते हैं, शायरी वालों को बुलाते हैं, कुछ भी हो यार. आपका टैलेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई लोग सोच ही सकते कि अरे ये 22 साल का लड़का है, इतनी बढ़िया शायरी दे रहा है, इतनी बड़ी पोएट्री लिख रहा है, इतनी बड़ी ये सब, क्यों ना देखे भाई. और लोग पैसा देना शुरू करेंगे. पॉइंट इज कि जब आप खुद देखेंगे कि अरे कोई मेरे को पैसा देना चाह रहा है, ठीक है, आपको खुद एक ना अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा उसी चीज को और बढ़िया करने में. मैं एक एग्जांपल और देता हूँ. आप चाहे कंप्यूटर इंजीनियर हो, ठीक है, आप कंप्यूटर में फोटोशॉप में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप बैठे हैं किसी नाले के सामने, अपनी पिक्चर आपने खिंचवा ली, मगर आप कह रहे हैं कि भैया मैं कैसे दिखाऊं कि भैया ये पिक्चर जो है बहुत बढ़िया है. आपने स्विट्जरलैंड के किसी एल्प के सामने जाकर के वो नाले वाली पिक्चर जो है अपने सामने डाल दी, और बंदा ये बोल नहीं सकता कि आप नाले के सामने बैठे थे और ये फोटोशॉप पिक्चर है. आप अपना टैलेंट इतना बढ़िया बनाओ कि लोग कहेंगे भाई तूने करा कैसे ये. आप उसको लेकर के आप ऑनलाइन, अब इंस्टाग्राम पे आप क्या 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 नहीं कर सकते. आप जाकर के अपनी क्लासेस बना सकते हो, ठीक है, आप जाकर के हाइलाइट्स के ऊपर अपनी क्लासेस दिखा दो कि आपने कैसे 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 करा, शायरी में आपने कैसे लिखा, कैसे आपने रिकॉर्ड किया, कैसे आप इंस्पायर होते हो, कैसे फ्लो आता है. देखोगे कि लोग आपके ऊपर ध्यान देंगे और ऐसे ऐसे डीएम्स भेजेंगे कि भाई तूने कैसे करा, कैसे करा मुझे सिखाओ. तुम्हारे अलग अलग तरीके बन जाएंगे उस चीज में से पैसे बनाने के. अभी आज हम दोनों को पीपल मतलब दे हायर अस अलग अलग रीजंस के लिए. कोई हमें हायर करता है कि इसकी गोरी गर्लफ्रेंड है कि मैं गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊँ, या फिर मेरे साथ तो जो होता है उंगलियों के काम. या फिर कोई हमें हायर करता है कि प्लीज हमारी शॉपिंग में मदद कर दो, तो हम इमेज कंसल्टिंग करते हैं. कोई हमारी मदद मांगता है कि हमारे प्लीज बताओ कि हम ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो ताकि हम भी आपके जैसी पर्सनैलिटी बना सकें.
दिखेगा ना जब लोगों को कि तुम वैल्यू ऑफर कर रहे हो और तुम असलियत में कर रहे हो, तो लोग अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं जहां से वो तुमसे फायदा उठा सकते हैं, और उसके लिए वो तुम्हें पैसे देंगे और रेडी होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है उसकी वजह से तुम सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गए और उसकी वजह से तुम्हारी एक वैल्यू आ जाती है, और उस वैल्यू को तुम्हें जब तुम तीसरे स्टेज पे पहुंच गए तब तुम्हें समझने की जरूरत है कि फ्री में मत करो किसी के लिए कुछ भी बेसिकली। और वो बाद में आता है, मगर वो स्टेप बाद में, वो बाद में आता है, आप पहले से नहीं सोच सकते आप, और एक गोल नहीं बना सकते दिमाग में कि मेरा अभी तो मैं ये सारे पैशन वैशन में दिखा रहा हूँ मगर 5 महीने में मैं चार्ज करना शुरू करूंगा। यू हैव टू रिमेन द सेम पर्सन। दिस इज समथिंग दैट विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। आप इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो। ये जो प्रोसेस है ना, ये लंबा खिंचता है। आप एक्टर्स को देखो भाई, कितने सारे बॉम्बे में घुस जाते हैं भाई, क्या कांदेवली स्टेशन पे जब उतरते हैं एज ए झुंड निकलता है लोगों का पूरी इंडिया से, जो सारे एक्टर के ख्वाब बन के निकल गया, और वो लोग बैठे होते हैं 10 साल 15 साल 20 साल, तब जाकर के एक ब्रेक मिलता है, और वो भी किसको, जो ओरिजिनल रहता है, जो भी शाहरुख खान अगला बनना चाहता है या अगला जो भी है आजकल एक्टर, मुझे मालूम नहीं, जो भी वो बनना चाहता है वो वहीं पे रह जाता है। तुम उसको देखो यार, वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो भी बंदा है, वो मनोज बाजपेयी भाई, वो उनका मतलब क्या एक्टिंग है यार, मतलब हिल जाता हूँ मैं देख के। मेरे को ये बाकी बड़े वाले एक्टर्स नहीं पसंद क्योंकि इनमें मुझे असलियत दिखती है, और मतलब दे स्टे ट्रू टू देयर एक्चुअल आइडेंटिटी। और आप लोग भी जब उसको देखोगे, नवाजुद्दीन को देखोगे, मनोज बाजपेयी को देखोगे, इरफान खान को देखोगे, उनकी जो तरीका है बात करने का, आप पहले ही उससे रिलेट कर जाओगे, क्योंकि सारे किरण करके जो सारे बोलते हैं, वो कौन बोलता है, नहीं कोई बोलता यार ऐसे, ठीक है, मगर पॉइंट इज ये सारे जो लोग हैं, ये अपनी टैलेंट जो है उसके लिए उन्होंने वेट किया है। इरफान खान को सबसे पहले ही मूवी 40 साल पे मिली थी, मगर उसने ये नहीं कहा कि नहीं यार अब छोड़ यार, अब तो पैसे नहीं बन रहे मैं कुछ, वो थिएटर एक्टर था, उसने करा, उसने अपने प्रोसेस को बिलीव किया, तब जाकर के अब जो भी है वो आपके सामने है। एनीवे गाइस, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो से फायदा हुआ। एक हमने रोड मैप देने की कोशिश करी है जो सबको अप्लाई कर सकता है, चाहे तुम लड़का हो, लड़की हो, यंग हो, ओल्ड हो, चाहे तुम हारमोनियम बजाते हो, गिटार बजाते हो, फैशन में हो, जो भी तुम्हारा पैशन या इंटरेस्ट है उसको तुम कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बट अगेन विद द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू, लोगों की मदद करना, एंड उसमें अब तुम कैसे ग्रो कर सकते हो, सेलिब्रिटी बन सकते हो। तो होपफुली तुम लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो, ठीक है। अभिनव का इंस्टाग्राम चेक करो, यहाँ पे लिंक डाला हुआ है मैंने, और साथ में नीचे जो पहला लिंक है वो उसके यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे ही इज गोइंग टू पुट मोर वीडियोस। अभी तक ये उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी इसको इंस्पिरेशन आ गई है बब्बे के कच्चों से, तो बेसिकली अब और वहाँ पे वीडियोस डाले, उसी वीडियो का लिंक डालता हूं, देखूंगा और हिंदी में बात करूंगा, और अगर मेरे चैनल पे जाकर देखोगे ज्यादातर इंग्लिश में, मगर आप उससे भी थोड़ा सा जरा इंस्पायर होगी, कुछ कुछ चीजें मैं उसमें बोलता रहता हूँ जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, उन चीजों को आप देखो, बिकॉज ये, और ये माइंड सेट मत रखो कि भाई ये तो इंग्लिश में तो पल्ले नहीं पड़ेगी, आप अगर कुछ चीजें देखोगे ऑटोमेटिकली आप शायद उससे ही इंस्पायर हो। क्या पता आपका गोल हो इंस्टाग्राम पे कि मैं भाई मेरे को हिंदी बोलनी आती है मगर इंग्लिश नहीं आती, मगर मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि मैं इंग्लिश कैसे एग्जैक्टली मेरी खुद की जर्नी अब मैं लोगों को दिखाऊंगा, और जैसे मैंने इंग्लिश सीखी वो मैं बांटूंगा, भाई तुम उससे कमाने लग जाओगे, किताब वाले आएंगे तुम्हारे पास कि एक किताब लिखो कि अंग्रेजी कैसे सीखे, पब्लिक स्पीकिंग वाले आएंगे बोलेंगे आपने कैसे कन्वर्ट किया, ये वगैरह वगैरह कोचिंग क्लास वाले, मतलब कुछ बहुत तरीके होते हैं। आप उसमें जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे भैया ये इंग्लिश में ये बंदा एक्सेंट में कैसे बात कर रहा है, ठीक है। और कई लोग मुझे यही पूछ रहे थे भाई तू एक्सेंट में क्यों बात करता है, उनको ये नहीं पता कि भैया मैं पूरी अपनी जिंदगी जो है बाहर रहा हूं इंडिया से, तो सो इफ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश देन आई स्पीक लाइक दिस, सो ऑटोमेटिकली इट जस्ट कम्स आउट लाइक दैट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एनीवे गाइस, चेक आउट द लिंक्स, जो सबसे पहले वाले लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, एंड वी विल सी यू सून, सी यू गाइस, बाय बाय।